सर औरंगाबाद जिले में सर धान की खरीदारी जो हो रही है सर काफ़ी सर कम किया जा रहा है और इसका कारण बताया जा रहा है सुखाड़, जबकि सर जो हमारा औरंगाबाद जिला था सर सुखाड़ से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन पैक्स अध्यक्ष का कहना है और व्यापार मंडलों का कहना है सर कि हमें सरकार की तरफ से काफ़ी कम धान खरीदने के लिए निर्धारित लक्ष्य दिया गया है, सर इस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए लक्ष्य जो कम है तो उसका दो कारण होता है। एक कारण ये होता है कि आप सुखाड़ के नाम पर पैसा ले लेते हैं जी सर, तो जो पैसा ले लिए आप और इस समय कह देगा कि धान हो गया है जी। तो आपको लगता है कि हम लोग को हथकड़ी न लग जाएगा? सर अंतिम समय में बारिश काफी अच्छा हुई थी और बोरिंग और कुछ नहर की मदद से जो पैदावार कम हो रही थी वो अंत में सर अच्छा हो गई। पैसा लौटा के डीजल अनुदान ले लेना था, पैसा लौटा के डीजल अनुदान ले लेना था, डीजल अनुदान ले लेते और उसमें आपका जितना फसल हो जाता जी वो सब आ जाता सर, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए जी सर। अब नतीजा है कि इसमें सरकार फंस जाएगी, पदाधिकारी फंस जाएगी, क्योंकि सुखाड़ के नाम पर पैसा निकाल लिया। फिर किसान लोग कहाँ जाएंगे सर? किसान लोग का ऐसा है ना, चित मेरी पट मेरी दोनों ने न चलेगा, एक ही चीज न चलेगा जी जी, ये प्रॉब्लम है। फिर भी हम देखते हैं, आप ये सवाल उठाए हैं, हम देखते हैं कि इसमें हमारा हमसे क्या सहयोग हो सकता है, आप भरपूर हम सहयोग के भरोसा दिलाते हैं। धान खरीदने का जो सर निर्धारित तिथि सर 15 फरवरी तक रखा गया है, जबकि काफ़ी पीछे जो रुकनी होने के कारण धान जो है काफ़ी लेट से कटेंगे, तो मांग है सर किसानों का मांग है कि इसका डेट जो है सर कम से कम 31 मार्च तक बढ़ाया जाए। अब ये एक आदमी का बस का रोग नहीं है, ये बैठेगा सरकार और सरकार इस पर निर्णय लेगा। आप जो बात बता रहे हैं वो बात किसान ने बताया है जी जी सर, तो ये किसान तक ये बात पहुंचा, किसान को बात सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा और सरकार निर्णय लेता है जी सर, एक आदमी का ये निर्णय नहीं होता है जी सर। अभी सर औरंगाबाद जिले के पैक्स अध्यक्ष तो सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि सरकार द्वारा 100% उष्णा चावल को लेने के लिए बोला जा रहा है, जबकि सर पूरे औरंगाबाद जिला में केवल 6 उष्णा राइस मिल हैं और 119 अरवा चावल के मिल हैं सर, तो इस तरह से 6 राइस मिलों द्वारा सर टारगेट को कैसा पूरा किया जाएगा? देखिए चारे जिला जो है सर अरवा चावल खाता है, चार जिला जी जी सर अरवा चावल खाता है, बाकी लोग सब उष्णा चावल खाता है जी सर। मुख्यमंत्री जी के कहना है कि जो अरवा चावल है उसको इस्तेमाल लोग खाने में नहीं करता, हमारा धरती हमारा बिहार का अनाज है और इतना मेहनत से सब पैदा करता है और उसको जो ही अनाज गरीब को मिलता है चाहे जिस रूप में मिले जहाँ से मिले वह तुरंत के तुरंत दुकान में बेच दिया जाता है। तो सर 6 मिल से संभव नहीं हो पाएंगे सर जितना टारगेट दिया गया है? अब इसका तो जांच का मामला बनता है ना। और एक तरफ सर जो मिल मालिक हैं जो 119 अरवा चावल के मिल मालिक लगाए हुए हैं सर, वे लोग सर अलग परेशान है कि हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ से सरकार का ऋण भरेंगे? अब इस पर उच्च स्तरीय बात करेंगे तभी इसका भरपाई की बात करेंगे, तब हम बता सकते हैं, अभी हम अकेले क्या बोल सकते हैं यहाँ पर। एक अंतिम सवाल सर, औरंगाबाद जिला के सर राजद कार्यकर्ता या राजद जो भी हैं सर नेतागण लोकसभा सर आपको आने का मांग कर रहे हैं सर, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, नेता को डिमांड तो होता ही ना है जी सर, अच्छा विचार रखिए अच्छा व्यवहार रखिए तो अच्छा नेता के डिमांड होता है जी। अब गया में मांग है सुरेश पासवान को जी सर, अच्छा नेता है तो डिमांड तो होता ही ना है जी सर, डिमांड तो कोई रोक नहीं सकता है। आपका क्या कहना चाहिए औरंगाबाद को लेकर? उसी में सरजीत को ही मांग करता है, दोनों अपना रिश्तेदार है फरियाल है, कौन लड़ेंगे, हम उसके साथ हो जाएंगे। नहीं सर आप अपना ओपिनियन दीजिए औरंगाबाद को लेकर, आप क्या सोचते हैं? पार्टी तय करता है, लीडर तय करता है, लीडर तय करेगा। हाँ लीडर और पार्टी तय।